एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि एक बदसूरत कैक्टस उसके बगल में थी। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने ही रूप से प्रभावित थी। एक बार चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा, उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूख गई, उसने अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने ये नजारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। यह देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आया। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ, वहीं उसने दूसरों की मदद की इस कठिन गर्मी को पार करने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उनके दिखने के तरीके से मत आंकिए।